कांग्रेस पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि बैठक में हार के कारणों का मंथन किया जाएगा। इसके अलावा 2019 के लोकसभा चुनावों की रणनीति भी यहां से ही बनेगी, ताकि इस हार को भुलाकर कार्यकर्ता आगामी लोकसभा की तैयारियों में जुट पाएं। इसी बीच विपक्ष के नेता को लेकर भी विधायक दल की बैठक में चर्चा होने की उम्मीद है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इन बैठकों में चुनाव में हुई हार पर मंथन होगा और इससे ऊपर उठते हुए लोकसभा चुनावों की तैयारियों पर भी चर्चा की जाएगी। सुक्खू ने कहा कि तीसरी बैठक जीते हुए विधायकों के साथ होगी और इसमें भी चुनाव परिणाम पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि चुनाव में जो कमियां रही हैं उन्हें दूर किया जाएगा। आज हमारी 3 मीटिंग्स हैं। एक मीटिंग जो हमारे कंटेस्टेड कैंडिडेट है जो चुनाव नहीं जीत पाए वो अभी शुरू होने वाली है आधे घंटे बाद। दूसरी जो हमारी मीटिंग है वो जिला कांग्रेस कमेटी की है और जो तीसरी मीटिंग है वो हमारे चुने हुए विधायकों की है। ये सिर्फ आत्म मंथन की मीटिंग है। जो चर्चाएं हैं किसी प्रकार की, वो कोई चर्चा किसी के प्रति नहीं है, ना तो ये विधायक दल की कोई मीटिंग है। ये सिर्फ चुने हुए विधायकों से उन्होंने मिलना है और जल्दी ही हमारी जो आने वाले समय की रणनीति है उसके बारे में एक नई रणनीति के तहत लोकसभा चुनाव में हमने आगे आना है। जिन कार्यकर्ताओं ने हमारे जो भी प्रत्याशी चुनाव जीत कर आए और जो प्रत्याशी किसी कारणवश चुनाव नहीं जीत सके, बहुत कम मार्जिन से रहा, कुछ कमियां रही होगी, चुने हुए प्रत्याशियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और जो हमारे प्रत्याशी चुनकर नहीं आए उन्हें अभी से युद्ध की तैयारी करनी है और अगली लड़ाई के लिए लड़ने के लिए हमें तैयार रहना है। ओपोजिशन का लीडर तय करना हाई कमांड का काम होता है। मैंने भी कई चुनावों में देखा है और किसी प्रकार का कोई दबाव किसी विधायक पर नहीं होता है, हाई कमांड तय करता है। पर आज ओपोजिशन लीडर का चुनाव के बारे में कोई इतना चर्चा होनी है ना कोई बातचीत होनी है, सिर्फ आने वाले लोकसभा चुनावों की तैयारी होनी है। क्यों वहाँ का असेसमेंट कर लीजिए, क्यों डिफीट हो गया है, इस तरह की बातें वहाँ हो गई है तो यहाँ हम सब पूछने के लिए आए हैं, पूछेंगे हमारे वो साथी सब। देखिए वो तो पहली बात है, यहाँ के प्रेसिडेंट हार गए, मुख्यमंत्री के कैंडिडेट भी हार गए, वो हारने वाले अभी जीत कर रहे हैं। लेकिन हम 21 भी बनाए हैं लेकिन हम बड़े जोर से हैं, जनता की सेवा करेंगे। जो भी हार जीत होती है लेकिन कांग्रेस हमेशा कभी नाराज नहीं होती है, हम तो आभार मानने के लिए यहाँ आ गए हैं जनता की। देखिए ये मोदी लहर यहाँ थी या नहीं मुझे मालूम नहीं। मोदी की जहाँ भी हम कह रहे हैं कि मोदी जी का यहाँ कुछ नहीं चलता है, दूसरी जगह भी नहीं चलता है, बट ये एक बार हो गया, ऐसा हो गया। गुजरात की हालत देखिए, उनके घर में, उनके घर की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ की भी सीट वो हार गए हैं। शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।